जरूरी तो नहीं, लेकिन वीडियो को लाइक या डिसलाइक कर दिया करिए। विकी स्टार्टिंग में हमें एक प्यारी सी बच्ची दिखाई जाती है जिसका नाम ऐना होता है। ऐना की माँ एक परी थी। की माँ को पता चलता है कि बड़ी परी बच्ची को देखने के लिए आ रही है। ये लोग बड़ी परी से बहुत डरते थे क्योंकि उसका जादू हमेशा उल्टा पड़ जाता था। तभी अचानक से बड़ी परी आ जाती है। वह बच्ची को हाथ में लेती है तो बच्ची रोने लगती है। बड़ी परी उसे चुप कराती है और उसे एक दुआ देती है। वह बच्ची से कहती है कि तुम सबकी बात मानो, यह कहकर बड़ी परी वहाँ से चली जाती है। ऐना धीरे धीरे बड़ी होती है। अब परी की उस ब्लेसिंग के कारण ऐना को वो सब करना पड़ता था जो वो नहीं चाहती थी। यहाँ तक कि बच्चे उसे गलत काम भी करवाते थे। दिन ऐना की माँ की तबीयत खराब हो जाती। वह ऐना को अपने पास बुलाती है। वह ऐना से कहती है कि ऐना तुम हमेशा अपने दिल की सुनना, और वह उसे एक लॉकेट भी देती है। इतना कहकर ऐना की माँ की डेथ हो जाती है। के बाद हमें कुछ समय बाद का टाइम दिखाया जाता है जब ऐना बड़ी हो चुकी थी और उसके डैड ने दूसरी शादी कर ली थी। तेली माँ की भी दो बेटियाँ थी जो बहुत ही चालाक थी। वह ऐना के पास में आती है, उससे उसका लॉकेट मांगती है। अब ना चाहते हुए भी ऐना को उसे अपना लॉकेट देना पड़ता है। उसके बाद हम राज्य के राजा को देखते हैं। उनके साथ में राजकुमार भी होता है जिसके लिए ये सारी लड़कियां पागल होती हैं। लेकिन ऐना बिल्कुल अलग थी। राजकुमार देखता है कि उसे मेरे होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वह उसे पहली नजर में ही पसंद कर लेता है। तभी ऐना की सिस्टर उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। ऐना बेचारी वहाँ से चली जाती है। इधर सारी लड़कियां राजकुमार से मिलने के लिए स्टेज के ऊपर आने लगती है। लड़कियों से बचने के लिए राजकुमार भी जंगल की तरफ भागता है जिस तरफ ऐना गई हुई थी। तभी राजकुमार ऐना से टकरा जाता है। चिल्लाने वाली होती है लेकिन राजकुमार उसके मुँह पे हाथ रख लेता है और लड़कियां दूसरी तरफ निकल जाती हैं। राजकुमार उससे बात करना चाहता था लेकिन ऐना उसकी एक भी बात नहीं सुन रही थी, इसलिए वह उसे स्टॉप बोल देता है। स्टॉप बोलते ही ऐना एक जगह पे खड़ी हो जाती है। भी एक घुड़सवार उधर से गुजर रहा था लेकिन ऐना वहाँ से हिल नहीं पा रही थी। सवार उसे कुचलने वाला होता है लेकिन राजकुमार उसे बचा लेता है। भी वहाँ पे ऐना की सिस्टर्स भी आ जाती है। ऐना की सिस्टर अपनी छोटी बहन के साथ में ऐना को वहाँ से जाने के लिए कहती है और ऐना वहाँ से चली जाती है। की सिस्टर राजकुमार से बात करना चाहती थी लेकिन राजकुमार वहाँ से भाग जाता है। एक दिन ऐना की मासी उसे मिलने के लिए आती हैं और ऐना उसे अपनी सारी प्रॉब्लम बताती है। वो उसे बताती है ये सब तुम्हारे साथ में बड़ी परी के कारण हो रहा है और तुम्हें उस बड़ी परी को ढूंढकर ये कर्ज उन्हें वापस करना होगा। वह उसे एक किताब दिखाती है। ऐना उस किताब से बड़ी परी के बारे में पूछती है। किताब उसे बताती है कि वो जाइंट के इलाके में मिलेगी। उसी रात ऐना उस परी को ढूंढने के लिए घर से निकल जाती है। वो उस किताब की मदद से अपना रास्ता तय कर रही होती है। अभी वह देखती है एक जाइंट को कुछ लोगों ने पकड़ के बांधा हुआ है। वह उन लोगों के पास में जाती है, उससे कहती है तुमने इस जाइंट को क्यों बांधा हुआ है। वो लड़के हंसते हुए ऐना से कहते हैं कि अब ये लड़की हम लोगों को मारेगी। लड़कों के इतना कहते ही ऐना उन लोगों की धुलाई करनी शुरू कर देती है। एक एक करके सारे लड़कों को सबक सिखाती है। उसके बाद वह जाइंट को भी फ्री कर देती है। उसके बाद हमें फिर से किंगडम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे राजकुमार का राज्य अभिषेक होने वाला था और वहीं पे उसे अपनी शादी के लिए लड़की चुननी थी। वह ऐना के घर पे भी कार्ड भेजता है। कार्ड उसकी सौतेली माँ को मिलता है। इधर हम देखते हैं कुछ लोग ऐना और उस जाइंट को पकड़ लेते हैं। वह उसे पकाकर खाने वाले होते हैं। तभी वहाँ पे राजकुमार आ जाता है और ऐना और जाइंट को बचा लेता है। राजकुमार के डैड को भी इन लोगों ने ही मारा था लेकिन राजकुमार उन्हें नहीं मारता और वार्निंग देके छोड़ देता है। यह देखकर ऐना राजकुमार से बहुत इंप्रेस होती है। राजकुमार उसे पूछता है तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। ऐना राजकुमार को सारी बातें बताती है। राजकुमार भी उस परी को ढूंढने के लिए ऐना के साथ निकल पड़ता है। राजकुमार की बातें सुनकर ऐना को भी राजकुमार धीरे धीरे पसंद आने लगा था। शाम होते होते वो लोग जाइंट के शहर में पहुंच जाते हैं लेकिन वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि बड़ी परी यहां पे नहीं है। उसके बाद फिर से ये लोग अपने किंगडम वापस आ जाते हैं। आज राजकुमार का अभिषेक होना था इसीलिए उसकी बहनें भी उस महल में होती हैं। राजकुमार के अंकल कभी नहीं चाहते थे कि राजकुमार राजा बने। राजकुमार के अंकल ऐना की बहनों को अपने पास बुलाते हैं। इसका अंकल ऐना को अपने रास्ते से हटाने के लिए उनसे कहता है। ऐना की सिस्टर्स उसे बताती है कि ऐना के ऊपर एक कर्ज है, जो भी उसे करने के लिए कहेंगे वो करेगी और वो आपको मना नहीं कर सकती। इतना सुनकर प्रिंस का अंकल ऐना के पास में आता है, उसे एक चाकू देता है। वह ऐना से कहता है प्रिंस के प्रपोज करने से पहले तुम्हें प्रिंस को मारना होगा और वह उसे ये भी कहता है कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी। अब ना चाहते हुए भी ऐना इसके लिए तैयार हो जाती है। अपने दोस्त को बुलाती है और महल से दूर खुद को जंजीरों से बांध लेती है। वह गॉड से प्रेयर कर रही थी कि बड़ी परी मुझे कैसे भी मिल जाए। गॉड उसकी ये प्रेयर सुन लेते हैं। तभी वहाँ पे बड़ी परी आ जाती है। ऐना उसे देखकर बहुत खुश होती है। वो बड़ी परी से वो कर्ज वापस लेने के लिए कहती है लेकिन बड़ी परी कहती है जो चीज मैंने दे दी वह वापस नहीं ले सकती, यहाँ तक कि वह उसे जंजीरों से आजाद कर देती है।
जबरदस्ती महल में भेज देती है। कुंवर उसका हाथ पकड़ता है, एक सुनसान जगह पे लाता है, उसे प्रपोज करता है और गले से लगा लेता है। अब एना उसे मारने से खुद को नहीं रोक पा रही थी। तभी उसे अपनी माँ के शब्द याद आते हैं कि बेटी हमेशा अपने दिल की सुनो, और वो अपने हाथ से चाकू छोड़ देती है। इसी के साथ में बड़ी परी का दिया हुआ कर्ज भी खत्म हो जाता है। और यहाँ पर शीशे में राजकुमार ने सब कुछ देख लिया था। उसे बंदी बनाकर जेल में डलवा देते हैं। लेकिन तभी जायंट को लेकर एना का दोस्त वहाँ पे आ जाता है और एना को आजाद कर देता है। एना अपनी किताब में देखती है कि प्रिंस के अंकल प्रिंस को मारने के लिए ताज में जहर लगा देते हैं, जिससे प्रिंस पैरालाइज हो जाए और वह मर जाए। प्रिंस को ताज पहनाया जाता है। उससे पहले एना वहाँ आती है और ताज को उसे रोक देती है। प्रिंस को बताती है कि इसमें तुम्हारे अंकल ने जहर लगाया है। प्रिंस के अंकल भी ये बात मान लेते हैं और वो सबको बताते हैं कि हाँ, मैंने राजकुमार को मारने के लिए इस ताज में जहर लगाया है और हमेशा मैं इस राज्य का राजा रहना चाहता हूँ। यह कहते ही वो उस ताज को पहन लेते हैं, जो उनका शरीर पैरालाइज हो जाता है और वो मर जाते हैं। एना के सिस्टर्स उसे डांटकर वहाँ से जाने के लिए कहती हैं, लेकिन एना उन्हें चिढ़ाते हुए कहती है कि अब तुम्हारी कही बातों का मुझ पे कोई असर नहीं होने वाला। उसकी बहनें चिढ़ जाती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। सारे महल में खुशी का माहौल होता है। प्रिंस और एना की शादी हो जाती है, वो उस राज्य की राजकुमारी बन जाती है। हैप्पी एंडिंग के साथ में इस मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक। थैंक यू।